वास्तुशास्त्र में अशोक के पेड़ को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। वहीं इस पेड़ को घर के बाहर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। साथ ही इस पेड़ से बहुत ही चमत्कारी लाभ हमें मिलते हैं। आइए जानते हैं इस पेड़ के चमत्कारी लाभ। नंबर 1, बच्चों की याददाश्त बढ़ाने के लिए। जी हाँ, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके बच्चों की याददाश्त कमजोर है या उन्हें पढ़ाई के बाद भी कुछ भी याद नहीं रहता है, तो इसके लिए बच्चों को रोज कुछ समय अशोक के पेड़ के नीचे बैठकर अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करने से आपके बच्चों की याददाश्त तेज होगी। नंबर 2, व्यवसाय में लाभ के लिए। अगर आपके व्यवसाय में लगातार हानि का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके लिए आपको अशोक के पेड़ के बीजों को लेकर उसे धूप और अगरबत्ती अवश्य दिखाना चाहिए। साथ ही अपनी परेशानी से मुक्ति के लिए प्रार्थना भी करें। इसके बाद इन बीजों को एक ताबीज में भरकर अपने गले में पहन ले। बाकी बचे बीजों को अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दें। यह उपाय आपको शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार को करना होगा। ऐसा करने से आपके व्यवसाय को लाभ मिलेगा। नंबर 3, कन्या के विवाह में हो रही है देरी, तो इसके लिए आप अशोक के पत्तों को कन्या अपने स्नान करने वाले पानी में डाल ले। इसके बाद उसी जल से स्नान करें। स्नान करने के बाद उन पत्तों को किसी भी घर के सदस्य से उसे पीपल के वृक्ष पर डलवा दें। ऐसा आपको 41 दिन तक करना होगा। यह उपाय आपको शुक्ल पक्ष की प्रथम सोमवार को 41 दिनों तक करना होगा। ऐसा करने से आपकी लाडली का विवाह जल्द होगा, साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी। नेशनल स्पिरिचुअल से रानी की रिपोर्ट।